हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी नाश्ता जो खाने में हेल्दी भी है और कम ऑयल में बना है। सिर्फ 2 चम्मच तेल में ये नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पोहा ले लिया है और पोहे को हम थोड़ा सा छन्नी में डाल के इसको पहले छान लेंगे कि थोड़ा बहुत डस्ट हो वो निकल जाए, और फिर उसके बाद हम पानी से इसमें ही धो लेंगे। 3 से 4 बार हम इसको धोएंगे कि हमारी जो भी गंदगी हो पोहे की वो निकल जाए और पोहा एकदम साफ़ हो जाए। तो ये देखिए, मैंने पोहे को धो लिया है। अब इसको मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक जार लेंगे और उसमें अपने पोहे को डाल देंगे। 1 कटोरी मैंने पोहा लिया था तो 1/2 कटोरी मैं सूजी लूँगी, तो इसमें मैंने सूजी डाल दिया है। और 1/2 कटोरी मैं दही लूँगी, जितना सूजी था उतना ही दही है। अब इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पीस के ले लिया है और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी है और 1/2 चम्मच नमक। आप इसमें गाजर और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, जो और भी सब्जियाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल ही बना रही हूँ, तो इसको मैं ऐसे देखिए अच्छे से मिला के रख लूँगी। इसमें धनिया की पत्ती भी डाल दीजिएगा अगर आपके पास होगा तो। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए बाइंड हो रहा है, गोली बन रही है, तो इसका मतलब ये सही है, परफेक्ट है, इससे ढीला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छन्नी ली है, इसमें मैं ऑयल लगा दूँगी और इसको ऐसे गोल से बना के थोड़ा सा लोई लेके और इसको बीच में ऐसे होल बना लेंगे, जैसे हम लोग बड़ा बनाते हैं वैसे ही कर लेंगे। और मैं ऐसे करके सारी मैं बना लूँगी अपने टिक्की पोहे की, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पोहे का बना है, कोई भी खाएगा तो नहीं पकड़ पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर उंगली से नहीं कर सकते तो ऐसे लकड़ी से भी कर सकते हैं आप, और बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ मैंने अब सब बना के रख लिया है। अब मैं चलूँगी अगले स्टेप की तरह। तो यहाँ मैंने 3 गिलास पानी उबलने के लिए रख दिया है, देखिए इसमें उबाल आने लगा। अब इस पे मैं अपनी झरनी रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। इसको ढक के रख देंगे और 10 मिनट बाद देखिए एकदम सही से हो चुका है ये। तो इसको देखिए हम चेक भी कर लेंगे। तो यहाँ पे एकदम लकड़ी में लग नहीं रहा है, इसका मतलब कि ये हो चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं इसको चटनी के साथ, लेकिन अभी इसको हम और भी चटपटा बनाएंगे। अगर आप इसमें सब्जियां ऐड कर रहे हैं और कुछ मसाले ऐड कर देते हैं जैसे जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, तो फिर आप इसको फ्राई मत करिए, ऐसे ही चटनी से खाइए, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्राई करने के लिए देखिए, यहाँ मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। 1/2 चम्मच राई डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, फिर उसके बाद कड़ी पत्ता डाल देंगे ढेर सारा। और कड़ी पत्ता जब हमारा हो जाएगा तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो सब मैं नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच बस। और मैंने फ्लेम को एकदम धीमा रखा है कि हमारे मसाले जले नहीं। मसालों को हल्का चला कर हम इसमें अपना टिक्की डाल देंगे पोहे वाली। तो ऐसे ही चलाते जाएंगे देखिए, और थोड़ा सा फैला के इसको भूनेंगे कि सारे मसाले हमारे टिक्की में आ जाएं अच्छे से, मसालों की कोटिंग अच्छे से हो जाए। तो यहाँ देखिए झटपट रेडी हो गया है, सिर्फ 10 मिनट में ये नाश्ता बन के तैयार हो गया। और हल्का सा नमक डाल देंगे ऊपर, पोहे में भी मैंने डाला था तो इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे। आप चाहें तो और मिर्च तीखा वाला डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने पोहे से ये नाश्ता बनाया है, और बरसात के मौसम में तो और भी अच्छा लगेगा खाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।